हम सभी हिंदी के क्लास में हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। चैप्टर वन, भाषा एवं व्याकरण। सबसे पहले हम समझेंगे भाषा किसे कहते हैं। जब दो व्यक्ति आपस में बात करते हैं तो उनको बात करने के लिए किसी साधन की जरूरत होती है। अगर वह साधन या माध्यम ना हो तो वह बात नहीं कर सकते, अपने विचार या भाव दूसरों को नहीं दे सकते, दूसरों के ग्रहण नहीं कर सकते हैं। अगर हमारे पास भाषा नहीं होती, यानी कोई माध्यम नहीं होता, तो हम क्या करते, अपने विचारों को किसी को बता नहीं पाते। अगर कुछ ज़रूरत होती तो हम उसको समझा नहीं पाते या दूसरे हम मुझे नहीं समझा पाते। इसलिए भाषा वह साधन या माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों और भाव को दूसरों तक पहुँचाते हैं और दूसरों के ग्रहण करते हैं। देखिए भाषा किसे कहते हैं। भाषा वह साधन या माध्यम जिसके द्वारा हम अपने भाव तथा विचारों का दूसरे व्यक्तियों के साथ आदान प्रदान करते हैं। वह साधन या माध्यम क्या कहलाती है, हमारी भाषा कहलाती है। हमारे संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। अब हम जानते हैं भाषा कितने प्रकार की होती है। भाषा के प्रकार, भाषा तीन प्रकार की होती है। वैसे तो मुख्यतः इसके दो ही प्रकार होते हैं, मौखिक और लिखित भाषा, लेकिन तीसरी भी भाषा बनाई गई है, सांकेतिक भाषा। जो व्यक्ति मौखिक और लिखित भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते, उनके लिए तीसरी भाषा सांकेतिक भाषा बनाई गई है। मौखिक भाषा वह भाषा जिसको हम बोलकर व्यक्त करते हैं। जब हम किसी से बातचीत करते हैं तो जो माध्यम इस्तेमाल करते हैं उसको हम मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे यहाँ अगर मान लीजिए दो फ्रेंड खड़े हैं, वो आपस में बात कर रहे हैं। मान लीजिए पहला कह रहा है कि मुझे कल बनारस जाना है, तो उसने केवल बोलने का कार्य किया, तो ये क्या कहलाएगी, हमारी मौखिक भाषा। फिर आता है हमारा लिखित भाषा। लिखित भाषा वह भाषा होती है जिसमें हम अपने विचारों को लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं, या अपने जब हम कोई विचार और भाव होते हैं जिसको हम चाहते हैं वह सुरक्षित रख लें, उसके लिए हमें लिखित भाषा की जरूरत पड़ती है। जब कुछ चीज़ ऐसी होती है जिसको हम चाहते हैं कि उसको हम सुरक्षित कर लें, वह हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाए, अगर उसको हम बोलेंगे तो वह तो एक बार में सुनेंगे और ग्रहण करेंगे और वह खत्म हो जाएगी। अगर उसको सुरक्षित कर लेंगे, कहीं लिख लेंगे, तो वर्षों वर्षों तक वैसे ही रहेगा, तो उसके लिए हम लिखित भाषा का प्रयोग करते हैं। फिर आता है हमारा सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा वह होती है जिसमें एक व्यक्ति जो बोल नहीं सकता, यानी गूंगा व्यक्ति, वह इस भाषा का इस्तेमाल करता है। ट्रैफिक में आपने देखा होगा, वहाँ जो पुलिस होता है ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल करता है। वहाँ वह मौखिक या लिखित भाषा का प्रयोग नहीं कर सकता है, वहाँ इस भाषा को कोई समझेगा नहीं, इसलिए वह सांकेतिक भाषा का प्रयोग करता है। अब आते हैं बोली में। बोली किसे कहते हैं। बोली भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। सीमित या कम क्षेत्रों में बोले जाने वाली भाषा को हम बोली कहते हैं। हमारा देश बहुत बड़ा है, लेकिन उसमें कई जगह है छोटे छोटे जहाँ लोग रहते हैं, तो कुछ जगहों पे, छोटे जगहों पे कुछ लोगों द्वारा जो भाषा बोली जाती है उसको हम कहते हैं बोली। बोली के बाद आता है लिपि। लिपि हमारा भाषा का लिखित रूप कहलाता है। लिखने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उन चिन्हों को हम लिपि कहते हैं। जब हम बोलते हैं तो जो ध्वनि होती है उस ध्वनि को लिखने के लिए कुछ चिन्ह बनाए गए हैं। उन चिन्हों को जब हम लिखते हैं तो उस चिन्हों को ही हम लिपि कहते हैं। लिपि कई प्रकार की होती है। जैसे हमारा देश विभिन्न भाषा और धर्म को मानने वाला देश है, तो उसमें कई भाषाएं हैं, बहुत तरह की भाषाएं हैं, और उन संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता भी प्राप्त है। तो वैसे ही हर भाषा के लिए लिखने का अपना अलग तरीका होता है, अलग ढंग होता है। तो हर किसी भाषा की अपनी अपनी लिपि होती है। जैसे हिंदी की देवनागरी, अंग्रेजी की रोमन, उर्दू की फारसी, संस्कृत की देवनागरी इत्यादि। सुप्रभात। व्याकरण। व्याकरण वह विद्या है जो हमें किसी भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, पढ़ना और लिखना सिखाती है। भाषा अगर हमें बोलने आ जाता है तो हम बोल तो सकते हैं, लेकिन वह शुद्ध रूप में नहीं बोलते अगर हमें व्याकरण का ज्ञान नहीं होता है। इसलिए हमें व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए जिससे हम भाषा को शुद्ध रूप में बोल सकें। तो व्याकरण वह विद्या या शास्त्र है जो हमें भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, बोलना और पढ़ना सिखाती है। व्याकरण भी कई होते हैं, जैसे हिंदी व्याकरण, संस्कृत व्याकरण, इंग्लिश व्याकरण आदि। अब देखिए
व्याकरण की जरूरत हमें क्यों पड़ती है? अगर हम लिखते हैं ये अशुद्ध वाक्य, देखिए बिना व्याकरण के, हिरण दौड़ती है। हिरण क्या है? हमारा पुल्लिंग शब्द है और इसमें लगाया हमें दौड़ती है। तो अगर व्याकरण का हमें ज्ञान नहीं रहेगा, अशुद्ध यही बोलेंगे हिरण दौड़ती है, लेकिन हमें व्याकरण का ज्ञान रहेगा, हमें पता है कि हिरण क्या है, हमारा पुल्लिंग है, तो इसकी जगह हम क्या लगाएंगे, शुद्ध वाक्य बनेगा हिरण दौड़ता है। अब देखिए दूसरा वाक्य, मैं खाना खा लिया है, मैं खाना खा लिया है, ये हमारा शुद्ध वाक्य नहीं है। शुद्ध वाक्य हमारा क्या होगा, मैंने खाना खा लिया है, और यह हम तभी कह सकते हैं शुद्ध जब हमको व्याकरण का ज्ञान है। इसलिए हमें व्याकरण सीखना बहुत जरूरी है। व्याकरण के भी तीन प्रकार होते हैं, पहला वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार और तीसरा वाक्य विचार। वर्ण विचार, वर्ण विचार में हम वर्णों को समझते हैं, वर्णों पर विचार करते हैं। उसके बाद दूसरे पे आते हैं हम शब्द विचार पे। वर्ण के बाद क्या होता है, शब्द बनाना शुरू करते हैं, इसलिए हम शब्दों पे विचार करते हैं कि शब्दों को कैसे बनाया जाए, शब्द कैसे शुद्ध होते हैं। उसके बाद हम आते हैं वाक्य विचार पर। जब शब्द हम समझ जाते हैं, शब्दों पे विचार हम समझ जाते हैं, तो हम वाक्य विचार समझते हैं। अगर हम इसको अच्छी तरह से लोग समझ लेते हैं, तो हम व्याकरण सीख लेते हैं। धन्यवाद। इस प्रकार से हमारा यह व्याकरण का चैप्टर खत्म होता है, और जो भी एक्सरसाइज है आप सभी बुक में फिल कर लीजिएगा, उसको कॉपी में कर दीजिएगा। धन्यवाद।